अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वेलकम टू लेवल अप इंग्लिश लर्निंग थर्ड एडिशन न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक टू बेस्ड ऑन सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 ऑक्सफोर्ड टुडे वी स्टार्ट यूनिट नंबर 9 व्हिच इज अबाउट द म्यूजिशियंस ऑफ ब्रेमन जर्मनी ठीक है या फिर ब्रेमन के मौसीकार जो गाने वगैरह गाते हैं उनको कहा जाता है बच्चों का माइंड रेडी करने के लिए इस यूनिट में जो जो तस्वीरें दी गई हैं हम बच्चों को वो दिखाएंगे यहाँ पे देखिए हमारे पास 4 एनिमल्स हैं जो कि हमारे क्या हैं मेन कैरेक्टर्स हैं जिन्हें हम मरकजी किरदार कहते हैं मतलब ये जो हमारा प्ले होगा ड्रामा होगा वो इन चारों की बेस पे है अब हम स्टार्ट करते हैं साथ में हम पढ़ते जाएंगे नेक्स्ट तस्वीर पे उससे नेक्स्ट जो जो तस्वीरें हम बच्चों को वो दिखाएं ताकि उनका माइंड रेडी हो जाए हम किन के अबाउट पढ़ने वाले हैं यहाँ पे प्री रीडिंग पढ़ने से पहले चिल्ड्रन बच्चों को लाइक पसंद करते हैं टू रीड पढ़ना स्टोरीज कहानियाँ एज दे हैव प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स कहते हैं बच्चे कहानियाँ पढ़ना पसंद करते हैं क्योंकि इनमें जो मुमताज किरदार होते हैं विच इज़ योर फेवरेट कैरेक्टर आपका पसंदीदा कौन सा है यहाँ पे मैंने लिखा है अलादीन ठीक है बच्चे बस उसका नाम बता सकते हैं अलादीन इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर यहाँ पे कोई और बता सकते हैं गर्ल्स यहाँ पे बारबी का लिख सकते हैं जो जो उनको पसंद है उन कैरेक्टर्स का बता सकते हैं नेक्स्ट है वर्ड्स टू नाउ याद रखने के अल्फाज यहाँ पे देखिए इन सब के मैंने उर्दू मीनिंग साथ राइट कर दिए गए हैं ये वर्ड्स हमारी स्टोरी से ही लिए गए हैं जब हम इनको स्टोरी में पढ़ेंगे इनको मज़ीद एक्सप्लेन करेंगे अब हम अपना जो प्ले है उसे स्टार्ट करते हैं दिस ये इस है द स्टोरी कहानी ऑफ की और डोंकी एक गधे की अब हमें बताया जा रहा है कि जो हमारी कहानी है आज की वो किस किस के बारे में है जैसे कि नीचे हमारे कैरेक्टर्स दिए भी हुए हैं ठीक है एक गधे की ठीक है जैसे नज़र आ रहा है अ डॉग एक कुत्ते की ऐसी अ कैट एक बिल्ली की एंड अ कॉक एक मुर्ग की ठीक है यू आप कह सकते हैं रीड पर द प्ले ड्रामे को क्या आप ड्रामे को पढ़ सकते हैं एंड देन एक्ट इट आउट इन क्लास क्या आप इस ड्रामे को पढ़कर इसी क्लास में खेल सकते हैं जैसे इन्होंने किरदार अदा किए हैं वैसे उसे आप क्लास में प्ले कर सकते हैं और डोंकी एक गधा इस वॉकिंग जा रहा था या चल रहा था डाउन द रोड कि एक गधा सड़क पर चल जा रहा है ठीक है जा रहा है इट ये लुक्स दिखाई देता है वेरी सैड कि ये बहुत उदास नज़र आ रहा है ठीक है ये उदास दिखाई देता है हमारा ये प्ले जो है वो डायलॉग फॉर्म है डोंकी यहाँ पे सबसे पहले वो क्या कहता है ओह डियर जैसे कहते हैं ओह खुदाया ठीक है आई हैव वर्कड ऑन हिज फार्म ऑल माई लाइफ कि मैंने इस फार्म पर अपनी सारी ज़िंदगी काम किया ऑल तमाम माई मेरी लाइफ ज़िंदगी फार्म पर कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इस फार्म पर काम किया है नाउ अब आई मुझे मस्ट लीव कि अब मुझे रुखसत होना चाहिए कि मुझे अब इसे छोड़ देना चाहिए किसे फार्म को जो था माई लाइफ मेरी ज़िंदगी इज है इन में डेंजर खतरे में माई लाइफ इज़ इन डेंजर कि मेरी ज़िंदगी खतरे में है माई ओनर जो मेरे मालकान हैं से कहते हैं आई एम यूज़लेस कि मैं बेकार हूँ बिकॉज क्योंकि आई एम ओल्ड कि मैं बुरा हूँ ठीक है कि मैं बेकार हूँ क्योंकि मैं बुरा हूँ बूढ़ा हो गया है वो आई थिंक मेरा ख्याल है आई विल गो मुझे जाना चाहिए टू ब्रेमन एंड कि मुझे जर्मनी चले जाना चाहिए एंड और बिकम मैं बन जाऊँ आ एक म्यूजिशियन मूसीकार कि मैं कहाँ एक जर्मनी में चला जाऊँगा और मैं मूसीकार बन जाऊँगा मतलब गाने गाने वाला द डोंकी गधा लीव्स द फार्म गधा फार्म पर चल पड़ता है फार्म से चल पड़ता है मतलब उसे छोड़ देता है ही मीट्स वो मिलता है अ डॉग एक कुत्ते से कि इसे एक कुत्ता मिलता है या फिर वो एक कुत्ते से मिलता है डॉग हेलो हेलो ओल्ड डोंकी हेलो बूढ़े गधे वेयर कहाँ आर हो यू तुम गोइंग जा रहे हो वेयर आर यू गोइंग तुम कहाँ जा रहे हो डोंकी टू ब्रेमन टू बिकम अ म्यूजिशियन कि मैं ब्रेमन की तरफ जा रहा हूँ एक मूसीकार बनने के लिए डॉग कुत्ते ने कहा कैन आई कम टू क्या मैं भी आ सकता हूँ आई एम ओल्ड मैं बूढ़ा हूँ एंड और कैन नॉट वर्क अब उसने भी क्या बताया है कि मैं बूढ़ा हूँ और काम नहीं कर सकता माई ओनर जो मेरे मालिक है हैड ड्राइवन मी आउट कि मेरे मालिक ने मुझे निकाल दिया है देखिए पहले डोंकी था मतलब अपनी ज़िंदगी से वो बेचारा भाग रहा था अब उसे क्या मिल गया एक डॉग मिल गया जो कि वो भी क्या कहता है कि मुझे जो मेरा मालिक है वो क्या है उसने मुझे निकाल दिया क्योंकि आई एम ओल्ड कि ये भी बूढ़ा हो चुका है ठीक है दोनों की सेम प्रॉब्लम हो गया डोंकी ने कहा प्लीज़ मेहरबानी करके कम अलोंग विद मी मेहरबानी करके मेरे साथ आओ दे वो वॉक ऑन वो चलते रहते हैं टिल दे मीट अ कैट
जब तक इन्हें एक बिल्ली मिलती है, ठीक है, रास्ते में इसी इसके नीचे तस्वीर दी हुई है ना, डॉग मतलब गधा और कुत्ते को क्या वहाँ पे एक बिल्ली मिलती है, ठीक है। कैट हेलो फ्रेंड्स, हाय दोस्तों, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। डोंकी ने कहा टू ब्रेमन कि हम ब्रेमन की तरफ जा रहे हैं। डॉग कुत्ते ने कहा वी आर ओल्ड, हम बूढ़े हैं, एंड और आर हैं ऑफ नो यूज ऑफ एनीवन, और अब किसी काम के नहीं हैं। वी हम आर हैं रनिंग, भाग रहे अवे दूर, कि अब हम दूर भाग रहे हैं। आवर ओनर्स जो हमारे मालकान हैं डोंट वांट, वो नहीं चाहते अस हमें एनी मोर, और हमारे मालकों को अब हमारी मजीद ज़रूरत नहीं है। कैट ने क्या कहा, आई एम इन, मैं भी हूँ इन में ग्रेट, बहुत ज़्यादा डेंजर, खतरे में टू, ठीक है, कि आई एम इन ग्रेट डेंजर टू, कि मैं भी बहुत बड़े खतरे में हूँ। आई एम ओल्ड, मैं भी बूढ़ी हो चुकी हूँ, एंड कैन नॉट कॉच, और मैं नहीं पकड़ सकती माइस चूहे, फॉर माई ओनर, अपनी मालकन के लिए। अब सेम प्रॉब्लम तीनों की हो गई, तीनों क्या बूढ़े हो चुके हैं, अब बूढ़े होने की वजह से इनसे वो काम नहीं होता जिस मकसद के लिए इनको रखा गया था। अब बिल्लिया जैसे उसे क्या चूहे पकड़ने के लिए रखा गया, उसने भी क्या कहा कि मैं ओल्ड हो चुकी हूँ इसलिए मुझे वो चूहे पकड़े नहीं जाते, ठीक है। Yesterday, कल she said, उसने कहा, किसने, उसकी मालिक ने, जो उसकी मालकन थी, ठीक है, she was going to sell me, कि मेरी मालिक की, उसने क्या कहा था कि वो मुझे बेच रही है। डोंकी ने कहा come along with me, हमारे साथ आओ। कैट ने क्या कहा, थैंक यू, मेहरबानी, आई शेल, मैं आऊंगी, ठीक है। यहाँ तक हमारी स्टोरी क्या हो गया, अब तीन करेक्टर हो गए, डोंकी, कैट और डॉग। दे वो वॉक ऑन टिल दे मेट अ कॉक सिटिंग ऑन अ गेट एंड क्रोइंग, क्या होता है वो आगे जाते चलते जाते हैं यहाँ तक कि एक मुर्गा मिलता है जो एक क्या सिटिंग बैठा होता है ऑन अ गेट, गेट पर, एंड क्रोइंग जो बांगे दे रहा होता है, मतलब आवाज़ें अपनी निकाल रहा होता है। डोंकी ने कहा डैट्स अ फाइन वॉइस, ये तो एक उम्दा शोर है या एक ये तो उम्दा आवाज़ है, ठीक है। कॉक ने कहा यस, जी हाँ, आई एम लकी, मैं खुशकिस्मत हूँ, आई एम अलाइव, कि मैं जिंदा हूँ। माई ओनर जो मेरा मालिक है, वॉज गोइंग टू सेल मी, कि मेरा मालिक मुझे बेच रहा था, ठीक है। डॉग ने कहा यू सिंग वेरी वेल, यू तुम सिंग गाते हो वेरी, बहुत ज़्यादा वेल, अच्छा तुम तो बहुत अच्छा गाते हो, ज्वाइन अस एंड बी अ म्यूजिशियन टू, के आओ तुम हमारे साथ मिल जाओ और मौसीकार बनने के लिए, ठीक है। कोक ने क्या, सर्टनली यकीनन कि मैं बिल्कुल आप सबको ज्वाइन करूँगा, ठीक है। द फोर फ्रेंड्स, अब फोर हो गए, ठीक है, सबको मिले, डॉग इसमें मतलब गधा, मुर्गा, कैट और कुत्ता, तीनों चारों मिल गए, चार हो गए हैं। द फोर फ्रेंड्स, चारों दोस्तों ने वॉक अलोंग द रोड, मतलब सड़क पर चल पड़ते हैं। इट इज़ गेटिंग डार्क, अब शाम हो रही है, बट मगर दे आर स्टिल अलोंग अवे फ्रॉम द ब्रेमन, लेकिन वो अभी तक ब्रेमन से बहुत ज़्यादा दूर हैं। डोंकी ने क्या कहा, वी कैन नॉट गेट टू ब्रेमन टू नाइट, कि आज हम ब्रेमन नहीं पहुँच सकते। डॉग ने कहा लेट्स स्लीप, ठीक है, इन दिस वुड, लेट्स स्लीप, आओ सोते हैं इन में दिस ये वुड, जंगल में, आओ इस जंगल में सो जाएं। कैट बिल्ली ने कहा हेयर, यहाँ पे इज है एक बिग, बहुत बड़ा ट्री, दरख्त, यहाँ पर एक बहुत बड़ा दरख्त है। आई मैं कैन सकती हूँ स्लीप सो ऑन पर एक ब्रांच शाख पर, ठीक है, आई कैन स्लीप ऑन अ ब्रांच, मैं एक शाख पर सो सकती हूँ। कुक ने क्या कहा, कुक ने एंड और आई कैन पर्च ऑन द हाईएस्ट ब्रांच, कि मैं क्या करता हूँ जो इसकी सबसे ऊंची वाली शाख है उस पर बैठ सकता हूँ, मतलब आराम कर सकता हूँ। डॉग कुत्ते ने कहा एंड द डोंकी एंड आई कैन ले नियर द ट्रंक, कि मैं हम क्या करेंगे तने के नीचे नीचे लेट, उसके नज़दीक लेट सकते हैं, ठीक है। कुक ने कहा फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री, दरख्त की चोटी से, डैट्स अ लाइट नॉट फार अवे, कि यहाँ पर वहाँ पर एक रोशनी है जो ज़्यादा दूर नहीं है। इट लुक्स लाइक अ हाउस, ये कोई घर मालूम होता है। डोंकी ने कहा हुआ ऊंची आवाज़ से, उसे खुशी हुई है ना, वाह वाह, जैसे हम साउंड्स निकालते हैं खुशी में। पर हैप्स शायद देर विल बी अ सम, वहाँ पे कुछ चीज़ हो, फूड खाने के लिए देर, वहाँ पर कि हो सकता है वहाँ पर खाने के लिए कुछ हो। डॉग ने कहा लेट्स गो एंड सी, चलो आओ चलते हैं और जाके देखते हैं। दे वो वॉक चल पड़े टू द हाउस, ठीक है, वो सब क्या हुआ घर घर की तरफ चल पड़े हैं। एंड लुक थ्रो द विंडो, क्या वो चलते हैं और जाके खिड़की में से देखते हैं, वो सब कहते हैं। डोंकी गधे ने देयर आर फोर रॉबर्स इन द रूम, कि यहाँ पर चार डाकू थे कमरे में। देयर आर सिटिंग, वो बैठे हुए थे राउंड इट गिट अ टेबल, एक मेज के फुल भरी पड़ी थी आ फूड खाने से, कि वो एक मेज जो खानों से भरी पड़ी थी इसके गिट बैठे हुए थे। डॉग कुत्ते ने कहा वही हमें मस्ट फ्राइटन, इनको डराना चाहिए, दैम इनको अवे दूर, कि हमें इन्हें दूर भगाने के लिए डराना चाहिए। द डॉग स्टैंड ऑन द डोंकीज बैक, जो कुत्ता था गधे की पीठ पर खड़ा हो जाता है। द कैट क्लाइम्स ऑन टू द डॉग, जो बिल्ली थी कुत्ते पर चढ़ जाती है, एंड जो मुर्गा था वो क्या कहता है उस कैट के ऊपर ऊपर चढ़ जाता है, जैसे कि इस तस्वीर में नजर आ रहा है।
जैसे कि देखिए हमारी इस तस्वीर में नजर आ रहा है, सबसे भी नीचे डोंकी मतलब गधा, गधे के ऊपर कुत्ता, कुत्ते के ऊपर फिर क्या बिल्ली, बिल्ली के सबसे ऊपर मुर्गा। इस तरह वो खड़े होकर विंडो की तरफ देखते हैं कि यहाँ पे अंदर क्या हो रहा है। देव वो बिगिन शुरू कर देते हैं टू सिंग लाउडली, ऊंची आवाज से, कि ऊंची आवाज से गाना शुरू कर देते हैं। देन फिर दे आर तमाम फल थ्रू द विंडो, वो सारे क्या होते हैं खिड़की, फिर वो सब खिड़की में से अंदर गिर जाते हैं। द फ्राइटेंड रॉबर्ट्स रन अवे, वो क्या करते हैं जो डाकू हैं वो डर जाते हैं और भाग जाते हैं। रॉबर्ट्स जो चोर हैं डाकू हैं, रन रन वो कहते हैं भागो भागो बिफोर वी आर कैच, इससे पहले हम पकड़े जाएं। द फोर फ्रेंड्स, ये चारों जो दोस्त थे, एट द फूड ऑन द टेबल, वो टेबल पर बैठ के क्या करते हैं सारा खाना खा जाते हैं। देन फिर द डोंकी लाइज डाउन इन द यार्ड, जो गधा है वो सीन पे लेट जाता है। द डॉग लाइज ऑन अ मैट, वो चटाई पर लेट जाता है। द कैट लाइज इन फ्रंट ऑफ द पाथ, बिल्ली रास्ते के सामने लेट जाती है। एंड कॉक परचेज ऑन अ बीम, ठीक है, जो मुर्गा होता है जो कि गार्डर जिसे कहते हैं, पीछे हमारी तस्वीर में वर्स्ट 9 में दिखाया गया, उस पर बैठ के मतलब बैठ जाता है। दे आर सून फास्ट स्लीप, वो जल्दी ही सारे गहरी नींद में चले जाते हैं। द रॉबर्ट्स जो चोर हैं कम बैक, दोबारा वापस आते हैं। वन रॉबर लुक्स फॉर अ मैच टू लाइट द कैंडल, डाकू वापस जब आते हैं वो मोमबत्ती जलाने के लिए क्या करता है माचिस की तलाश करता है। सडनली अचानक द कैट स्पाइट्स एट हिम एंड स्क्रैची सीम, ठीक है, उसको स्क्रैच कर देती है, वो क्या करती है वो घुराती है और उसके ऊपर नाक, उससे नाखून मार देती है। द रॉबर्स ट्रिप्स ओवर द डॉग, जो डाकू होता है जो कुत्ता है उससे ठोकर खाता है, ठीक है। द डॉग बाइट्स हिम, वो उसे क्या कर देता है उसे काट लेता है। देन फिर द डोंकी किक्स हिम, वो उसे क्या करता है उसे किक कर देता है, ठीक है, जिसे हम वो अपने टांगों के साथ उसे मारता है। एंड द कॉक स्टार्ट्स टू क्रो, और इसी के साथ मुर्गा बांगे देना शुरू कर देता है। द रॉबर्स रन्स टू जॉइन हिज फ्रेंड्स, जो वो चोर अंदर आता है डाकू भाग कर अपने साथियों से जा मिलता है। यहाँ पे देखिए वाइल्ड रीडिंग, वाइल्ड रीडिंग में क्वेश्चन है व्हाट वाज द रॉबर्ट थिंकिंग व्हेन ही एंटर्स द हाउस, कि जो चोर था, ठीक है, जब डाकू घर में दाखिल हुआ तो वो क्या सोच रहा था। ही वाज थिंकिंग, वो सोच रहा था डैट मे बी द थिंग्स डैट स्केयर्ड मी हैड लेफ्ट द हाउस, वो सोच रहा था कि जिन चीज़ों ने मुझे डराया था वो शायद वो घर से निकल गई होंगी, लेकिन वो वहीं पर थी। रॉबर्ट्स जो डाकू थे, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ या फिर क्या हुआ, वो सारी डर गई जब वो भाग के आया, ठीक है, उसकी तरफ, वो क्या कहते क्या हुआ क्या हुआ, ठीक है, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, व्हाट हैपेंड क्या हुआ। जो रॉबर वन मतलब जो अंदर क्या था वो क्या कहते देयर वाज अ टेरिबल विच इन द हाउस, वो कहता है अंदर तो एक खौफनाक जादूगरनी है। शी स्पैट एट मी एंड स्क्रैच्ड मी, उसने क्या किया है कि उसने वो मुझ पर घुराई है और मुझे नाखून मारे हैं। देन फिर अ मैन बिहाइंड द डोर, कि फिर एक आदमी ने जो कि दरवाजे के पीछे था, कट माई लेग विद अ नाइफ, कि उसने मेरी टांग को छुरी से काटा है। देन फिर अ मॉन्स्टर हिट हिम, फिर इसी तरह एक बला ने मुझे मतलब ज़र्ब लगाई है। एंड और आ डेवल शैतान ने सक्रिस्ट एट मी, फिर उसने मुझे क्या उस पर शैतान ने मुझ पर वो मतलब चिंखा है, ठीक है, जैसे नज़र आ रहा वो भाग रहा है। रॉबर्ट्स इट इज़ बेटर, ये हमारे लिए बेहतर रहेगा टू स्टे अवे, हम दूर रहें फ्रॉम डैट हाउस, इस घर से। द फोर म्यूजिशियंस डिड नॉट गो टू द ब्रेमन, की जो चार म्यूजिकार थे वो क्या यहाँ पर जर्मनी नहीं जाते हैं। दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर इन द हाउस, कि वो इस घर में हमेशा हंसी खुशी से रहते हैं, उधर रहना शुरू हो जाते हैं। यहाँ नीचे चैलेंज है, चैलेंज में हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाउ डू यू थिंक वी शुड ईट एनिमल्स, के आपके ख्याल में हमें जानवरों के साथ कैसे सलूक करना चाहिए। वी शुड ट्रीट एनिमल्स काइंडली, कि हमें जानवरों के साथ रहमदिली के साथ पेश आना चाहिए। अब हमारी रीडिंग कंप्लीट हुई, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। हम कोशिश करेंगे जो एक्सरसाइज में आंसर क्वेश्चंस हैं हमारे उनके आंसर हम बच्चों से लें, क्योंकि अभी उन्होंने रीडिंग कंप्लीट की है, तो इस तरह हमें आइडिया हो जाएगा कि बच्चों को रीडिंग की कहां तक समझ आई है। एक्सरसाइज सरगर्मियाँ, कम्प्रीहेंशन समझकर पढ़ना, आंसर दी क्वेश्चन। सबसे पहले वाई वाज द डोंकी लिविंग हाउस, कि जो गधा था वो घर क्यों छोड़ रहा था, बिकॉज ही वाज ओल्ड, क्योंकि वह बूढ़ा हो चुका था, यही वजह थी मेन, ठीक है। नेक्स्ट है वाई कुडंट द डॉग वर्क, कुत्ता काम क्यों नहीं कर सकता था, बिकॉज क्योंकि शी वाज ओल्ड, ही वाज ओल्ड क्योंकि वो बूढ़ा था, ठीक है, वो बूढ़ा था इस वजह से काम नहीं कर सकता था। नेक्स्ट है वाई वाज द कॉक क्रोइंग, कि जो मुर्गा अजान क्यों दे रहा था, बिकॉज ही वाज हैप्पी, क्योंकि वो खुश था, टू बी अलाइव, क्योंकि वो खुश था कि वह जिंदा बच गया है। वेयर आर द फोर फ्रेंड्स गोइंग, जो चारों दोस्त थे वो कहाँ जा रहे थे, ब्रेमन, सिंपल आंसर देंगे, ग्रेड टू हम कोशिश करेंगे छोटे से छोटा आंसर दे, ठीक है। डिड दे गेट देयर, क्या वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। व्हाट डिड द कॉक्सी, जो मुर्गा वो क्या देखता है, अ लाइट, एक रोशनी। व्हाई डिड द फोर फ्रेंड्स गो इन टू द हाउस, कि जो चारों दोस्त थे, ठीक है, वो कहाँ घर में क्यों जाते हैं।
फिर चार जो दोस्त घर के अंदर क्यों दाखिल हुए, दे वेंट देयर टू फाइंड समथिंग टू ईट, वो वहाँ खाने के लिए किसी चीज़ को तलाश करने के लिए गए। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेस है जो कि ट्रू और फॉल्स का बताएंगे। यहाँ पे देखिए, द फोर फ्रेंड्स स्लेप्ट अंडर अ ट्री नियर द रोड, रॉन्ग है, बिल्कुल भी ऐसे नहीं था। ठीक है, द कैट्स ओनर वॉज एंग्री विद हर, जी बिल्कुल ऐसे ही था क्योंकि वो अब रैट को नहीं पकड़ सकती थी, ये ट्रू है। द फोर फ्रेंड्स वेंट टू टॉक टू द रॉबर्स, फॉल्स, बिल्कुल ऐसे नहीं है। द म्यूजिशियंस लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर इन ब्रेमन, बल्कि वो तो वहाँ पे पहुँचते ही नहीं है, जाती हैं, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स है जो कि हमारी स्टोरी से ले गए, उनको हम फिलअप करेंगे। द रॉबर्स ट्रिप्स ओवर द डॉग, द कैट स्क्रैच द रॉबर्स, द कॉक परचेस ऑन द बीम, स्क्रैचेस परचेस। ठीक है, वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्जों के साथ काम करना। फाइंड द वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग एंड देन कम्प्लीट द क्रॉसवर्ड। ठीक है, आगे ब्लॉक दिया गया, क्रॉसवर्ड को कम्प्लीट करेंगे इन्हीं से। इट मेक्स अ लॉट ऑफ नॉइस इन द मॉर्निंग, कौन सुबह सवेरे शोर करता है, मुर्गा करता है, वो हम लिख देंगे। वी राइट विद इट विद नो नॉट ऑन अ पेपर, इसके साथ हम लिखते हैं लेकिन पेपर पे नहीं लिखते, तो हम क्या कहेंगे, वो चौक है। नेक्स्ट, इट हैज़ फोर लेग्स बट कांट कैन नॉट वॉक, इसकी चार टांगें लेकिन चल नहीं सकती, वो क्या होगा, चेयर। इट इज पुल्ड बाय अ डोंकी कॉट, अ बिल्डिंग लाइक अ फॉल्ट वेयर अ किंग लिव्स, उसे कैस्टल मतलब किला कहते हैं। यहाँ पे इनको हम कंप्लीट इन ब्लॉक्स में भी कर देंगे। एड अ कैपिटल लेटर्स एंड फुल स्टॉप ऑन द फॉलोइंग पैसेज, नीचे पैसेज दिया गया, हम बच्चों को कुछ रूल्स बता देंगे इनको करने से पहले। जब भी हमारा नया सेंटेंस स्टार्ट होता है, जो फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर होता है, उसे हम कैपिटल राइट करते हैं। इसी तरह किसी भी पर्सन का नेम आ जाए तो उसे हम क्या करते हैं, उसका फर्स्ट जो लेटर होता है उसे कैपिटल राइट करते हैं। यहाँ पे देखें, वंस देयर वॉज अ बॉय, ठीक है, वंस का ओ कैपिटल आ जाएगा, यहाँ पे बात खत्म, लास्ट पे फुल स्टॉप। नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल आ जाएगा, एच कैपिटल। हिज नेम वॉज आबिद, आबिद का ए कैपिटल आ जाएगा क्योंकि नेम है, किसी भी पर्सन के नाम को हम कैपिटल राइट करते हैं। यहाँ पे हमारा फुल स्टॉप आ जाएगा, ही कैपिटल आ जाएगा, एच। ही लिव्ड इन कराची, सिटी नेम है, किसी भी सिटी नेम को फर्स्ट लेटर कैपिटल आता है, कराची कैपिटल आ जाएगा, बात खत्म, फुल स्टॉप। ही एच कैपिटल आ जाएगा, ही हैड टू ब्रदर्स, बात खत्म, फुल स्टॉप। देयर टी कैपिटल, देयर नेम्स वर इमरान एंड इरफान, इमरान और इरफान का बोथ आई कैपिटल आ जाएंगे, दे बात खत्म, फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट लेटर कैपिटल, दे ऑल वेंट टू अ बिग स्कूल इन सेंट्रल सेंट्रल स्ट्रीट, दोनों का सी और एस कैपिटल, बात खत्म, ऑन ओ कैपिटल, संडे का एस कैपिटल, ऑन संडे दे वेंट टू द पार्क नियर, ठीक है, यहाँ पे बात खत्म हो गई है, मिस्टर, ठीक है, एम ए जिना रोड, ठीक है, ये हो जाएगा। लर्निंग अबाउट लैंग्वेज, जबान के बारे में सीखना, यहाँ पे वर्ब्स है जो कि बेसिकली क्या होते हैं, एक्शन वर्ड्स होते हैं। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करें, यहाँ पे हमारे पास थ्री ऑप्शंस है। ही वॉज गोइंग टू सेल मी, ही वॉज गोइंग आएगा, ठीक है। आई वॉन्टी टू रन अवे, आई एम लकी, आई एम अलाइव, द डोंकी एंड द डॉग ले डाउन अंडर द ट्री, द डॉग लाइंग एट द साइड ऑफ द रोड, आई लाइक टू सिट बाई द फायर, ठीक है। नेक्स्ट प्रोनाउंस है, वर्ब नाउन, प्रोनाउन के ऊपर मेरे चैनल पे अलग से वीडियोस अपलोड हैं जिसमें मैंने बच्चों की वर्कशीट्स रेडी की हैं, एक्टिविटी रेडी की है, हम कैसे एक्टिविटी के थ्रू बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। आप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे करवाएंगे, उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा, प्लेलिस्ट पे जाके आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के फोल्डर में जाके इनको सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बच्चों की एक्टिविटी वर्कशीट्स है, टेस्ट वर्कशीट्स रेडी किए गए हैं जो कि आपको बच्चों का कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आपके लिए हेल्पफुल होगी, ठीक है। बेसिकली प्रोनाउन कौन से होते हैं, जो हमारे पास नाउन होते हैं, नाउन की जगह जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं उनको प्रोनाउन ही हम कहते हैं। जैसे एग्जांपल दी गया, देखें, राफी इज अ बॉय, राफी हैज अ साइकिल, बार बार नाम तो नहीं ना लेंगे, राफी इज बॉय है, ठीक है, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ही, यहाँ पे राफी इज अ बॉय, ही हैज अ साइकिल, इस तरह, ठीक है। प्रोनाउन क्या, ही, शी, इट, दे, ठीक है, ये क्या प्रोनाउन है। नेक्स्ट हमें अंडरलाइन वर्ड्स किए गए, उनके प्रोनाउन राइट कहेंगे। माई ब्रदर इज अ बिग, माई ब्रदर इज टॉल टू, माई ब्रदर बार बार नहीं कहेंगे, माई ब्रदर क्या मेल है, तो इसके लिए हम यहाँ पे ही यूज करेंगे, माई ब्रदर इज अ बिग, ही इज अ टॉल टू। द रिवर इज वेरी वाइट, I swim in it in the summer, ठीक है, यहाँ पे it आ जाएगा। My mother works in an office, she goes to the work every day, यहाँ पे she आ जाएगा। सलमान एंड आसिम आर फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, अब टू पर्सन्स की बात है, जब टू पर्सन्स की बात होती है तो उसके लिए हम जो प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो दे होता है। सलमान एंड आसिम की जगह हम क्या इस्तेमाल करेंगे, दे, दे लिव नियर द बस स्टॉप। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, जिसमें हमें कहा जा रहा है जो भी हमने प्ले पढ़ा है उसके अबाउट क्या करेंगे, क्लास में बच्चे एक्सप्रेशन शो करेंगे, उनके एक्टिंग करेंगे उसके ऊपर, कन्वर्सेशन जो उनके डायलॉग है उनके ऊपर क्या करेंगे, वर्किंग करेंगे। इसमें हम टू बच्चों के जैसे फोर करेक्टर है, इसी तरह बच्चों के फोर करेक्टर हम बनाएंगे और इसके ऊपर हम इसके ऊपर वर्किंग करवाएंगे।
नेक्स्ट है कंपोजिशन तहरीर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे, यहाँ पे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए जैसे डॉग, प्ले, रोड। हमें कहा जा रहा है कि इन्हीं वर्ड्स को लेते हुए हमने क्या करना है, एक मतलब पैराग्राफ राइट करेंगे। जैसे देखिए प्ले तो प्लेइंग, डॉग आ गया यहाँ पे, रोड है तो रोड इस्तेमाल कर लिया, ठीक है। इन थ्री वर्ड्स को लेके एक पैराग्राफ राइट किया गया है। इसी तरह ये हमें एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, हमने क्या करना है इन्हीं वर्ड्स को इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करना है, जैसे इन्होंने पैराग्राफ राइट किया वैसे ही पैराग्राफ राइट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ये कहूँगी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। सम चिल्ड्रन, पैराग्राफ हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सम चिल्ड्रन वर प्लेइंग क्रिकेट, अ डॉग केम वॉकिंग बाय, इट पिक्ड द बॉल इन हिज माउथ, के एक वो बच्चे खेल रहे थे, वो वहाँ पर चल के आ गया और उसने क्या किया, बॉल को अपने मुँह में ले लिया एंड रन अवे, और वहाँ से वो चला गया। द बॉयज फॉलोड हिम, सारे जो लड़के थे बच्चे थे सब ने इनका पीछा किया। बट इट डिस अपेयर, लेकिन वो गायब हो गया, इन द बुशीज, लेकिन वो झाड़ियों में जाके गायब हो गया है। द बॉयज सर्च्ड फॉर आवर्स, वो उन्हें कई घंटे उसे तलाश करते हैं, बट कुड नॉट फाइंड इट, लेकिन वो उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। नाइट वॉज फॉलिंग, इसी तरह रात हो जाती है। दे नोटिस, वो नोटिस करते हैं अ हाउस नॉट फार अवे, कि उनका घर क्या है, जो घर है वो दूर नहीं है। दे थॉट परहैप्स द डॉग वॉज देयर, वो सोचते हैं कि जो कुत्ता है वहीं पर है। वन ऑफ द बॉय वेंट इन साइड, इनमें से एक लड़का वहाँ पे अंदर जाता है। इट वॉज डार्क इन साइड, अंदर सारा अंधेरा होता है। एंड नो बडी वॉज देयर, वहाँ पे कोई भी नहीं होता। सडनली अचानक समथिंग स्क्रैच्ड हिम, एक कोई चीज़ उसे क्या करती है, स्क्रैच करती है, फ्रॉम बिहाइंड, उसके पीछे। ही स्क्रीम्ड एंड रन अवे, तो रन आउट, वो क्या करता है, वो डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसी के साथ आज का जो हमारा लेक्चर था उसका वो कंप्लीट होता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।